हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बल्कि उसके माइनॉरिटी सेल ने आज ये एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इंतजाम किया ताकि माइनॉरिटी डे पर जो अखिलेश के जो हुकूक है जो संख्या लोगों के जो राइट्स हैं उसको और उजागर किया जाए। आप देखे थे कि हम लोग के लीडर सुब्रतो बख्शी हमारे लीडर सुब्रतो राय हम लोग के स्टेट के चेयरमैन आने वाले दिनों में क्या लगता है बंगाल में माइनॉरिटी के लिए किस तरह से अभी तक काम किया गया आने वाले दिनों में किस तरह से बढ़कर काम किया जाएगा बंगाल ममता बनर्जी के लिए मेजोरिटी हो माइनॉरिटी हो एससी हो एसटी हो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो जो भी अगर आदमी है अगर इंसान है तो इंसानियत की खिदमत हम लोग पार्टी का मेन सिद्धांत है और ममता बनर्जी के हम लोग सिपाही है हम लोग इसी रास्ते जनाब इस्लामुद्दीन साहब जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के माइनॉरिटी के आइए इनसे पूछते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि आज जो माइनॉरिटी राइट मनाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों का आज जो ये इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे जो चल रहा है इस सिलसिले में जो प्रोग्राम हम लोग का आगाज हुई है हमारे तमाम हम लोगों के रहनम थे और जो ममता बनर्जी की जो पैगाम है जो वो शुरू से देते हुए आ रही है इस पैगाम को फिर थ्रो किया गया है। अगर इस प्रोग्राम पर हम लोग अमल करेंगे जिस तरह से माइनॉरिटी यहाँ पर पूरा हिफाजत के साथ में पश्चिम बंगाल में है मैं समझता हूँ कि भारत के किसी भी स्टेट में इस तरह का वो कहीं भी सेव नहीं है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में सेव है मैं समझता हूँ भारत के किसी भी प्रांत में सेव नहीं है। चाहे वो मीम आए चाहे वो बीजेपी जो भी तरीका करे लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को जो है जो अक्सरियत के लोग जो ममता बनर्जी के साथ में हैं और अक्सरियत के भी लोग जो ममता बनर्जी के साथ में हैं वो साथ में रहेंगे चाहे कोई भी आए चाहे कोई भी जाए इससे टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले लोकसभा जो असेंबली की इलेक्शन होगी उसमें 200 सीट लेकर ममता बनर्जी पूरा अक्सरियत के साथ फिर से हुकूमत बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।